हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार मामले में आज ईडी द्वारा कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली सहित हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कई जगहों पर ये रेड जारी है, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मौजूदा अधिकारी, पूर्व अधिकारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ रियल एस्टेट एजेंट शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पंचकुला में दो ठिकानों पर ये रेड चल रही है। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित परिक्रमा सोसाइटी, जो कि सनसिटी सोसाइटी, इसके बाहर हम खड़े हैं, जहां पर ईडी की रेड चल रही है। सुबह 8 बजे से ईडी की रेड जारी है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उनका आवास है अरुण सिंगला, उनके आवास पर ये रेड जारी है। इसके अलावा एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर, वो भी इस सोसाइटी में रहते हैं, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि उनका नाम क्या है और किस कंपनी से जुड़े हैं, लेकिन इतना जरूर बता दें कि ईडी की रेड उनके आवास पर भी जारी है। सुबह 8 बजे से ईडी की टीम यहां पहुंची हुई है। इसके साथ साथ ऐसे अधिकारी जो मोहाली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं और कई अन्य जगहों पर रहते हैं, उनके आवास पर भी रेड जारी है। पंचकुला में दो ठिकानों पर ईडी की रेड, सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट अरुण सिंगला और एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर रेड, सुबह 8 बजे से चल रही ईडी की रेड। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा भ्रष्टाचार का है मामला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली सहित हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के गलत तरीके से फर्जी रिफंड लेने का ये मामला है। साल 2015 से साल 2019 के बीच फर्जीवाड़े किया गया था। हरियाणा के कई रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी और अधिकारी मामले में रडार पर हैं। कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत प्राइवेट आरोपियों के लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई जारी। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ अर्थ प्रकाश के लिए उमंग शरान। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।